उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही एक्शन में आ गई है और इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान असामाजिक तत्वों को सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली अफवाहें रोकने के लिए पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। इसके साथ ही यात्रा की आवाजाही पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले कांवड़, भाला, त्रिशूल और ऐसे किसी भी तरह का सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे कंसोल पर अश्लील गाने बजाने की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही कांवड़ मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी। कांवड़ यात्रा इस साल प्लास्टिक मुक्त होगी और यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, इस पर विस्तार से बात हुई और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके लिए यूनिफाइड कमांड डेवलप की जाएगी ताकि कोई भी घटना कहीं भी हो सभी को पता चल जाए और उसी हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवस्था कर सकें, पुलिस की व्यवस्था कर सकें। एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट फ्री रहे ये पूरा आयोजन, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पुलिस महानिदेशक विजय कुमार के साथ यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में निर्णय किया गया कि हर 5 किलोमीटर पर कांवड़ियों के रुकने के लिए शिविरों के साथ ही इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा के पवित्र जल के साथ यात्रा पर निकलेंगे। अधिकारियों को यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने और तीर्थ यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ये काफी विस्तृत चर्चा हुई है इसके सकुशल आयोजन के लिए, जितने तरह की तैयारियां, जो जो चीजें महत्वपूर्ण है तैयारियों के लिए, कैसे एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में और कांवड़ियों के सुविधाओं का, सहूलियतों का ख्याल रखते हुए इसको कैसे संपन्न कराना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की सतत निगरानी के भी निर्देश दिए हैं ताकि यात्रा सुरक्षित हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ शालीनता से पेश आने के लिए कहा गया है। कांवड़ यात्रा आस्था के रंग और परंपरा की उमंग में चले, भोले के भक्तों की पूरी सेवा की जाए, लेकिन पर्व की मर्यादा और अनुशासन भी बना रहे। प्रशासन को इसके लिए विशेष तौर पर सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।